Lily Parrot. पापा उसका परिवार ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग से मिलने आए हैं। ग्रैनी पिग, ग्रैंडपा पिग, ग्रैनी पिग, व्हाट्स अप पिग? हेलो मेरे छोटे बच्चों, अंदर आ जाओ। हमारे पास एक सरप्राइज है। वो क्या है? हमारे पास है एक नया पेट। क्या बता सकते हो वो क्या है? डायनासोर? अरे नहीं, डायनासोर नहीं है वो। आओ और देखो। ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के पास है एक पेट पैरेट। पापा, जॉर्ज, ये है हमारा पेट पैरेट। इसका नाम है प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मम्मी, ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है? पैरेट्स ऐसा ही करते हैं। चलो दिखाती हूँ। हेलो पॉली। हेलो पॉली। कितना प्यारा सा पैरेट है। कितना प्यारा सा पैरेट है। आ जाओ सब लोग, चाय पीते हैं। पेपा, जॉर्ज, आ जाओ, यहाँ चॉकलेट केक है। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरेट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरेट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरेट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। मैं हूँ पेपा पिग। मैं हूँ पेपा पिग। जॉर्ज, कुछ बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरेट बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं हूँ पॉली पैरेट। पेपा पॉली पैरेट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पॉली सच में एक प्यारा पैरेट है। हाँ ग्रैनी। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। मैं एक बातूनी पैरेट हूँ। ओ, क्या कहूँ? ओहो। हवा महल। पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिग का घर भी दिख सकता है। वाह, चले चले।
मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिग गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिग, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल हम आ रहे हैं। क्या हम आप पहुंच रहे हैं? अभी नहीं। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी? सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट? नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं, हार गए। हार गए? आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। अब ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुंचना जैसा है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी। चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुंच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह! दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक। जॉर्ज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है। बुद्धू जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं, हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है। बच्चे संभालना। मम्मी पिग और डैडी पिग शाम को घूमने जा रहे हैं। दादी पिग और दादा पिग बच्चों को संभालने वाले हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो पेपा, जॉर्ज, चलो सो जाओ जल्दी। गुड नाइट मेरे छोटे पिगीज। गुड नाइट, सो जाओ बच्चों। गुड नाइट मम्मी, गुड नाइट डैडी। कितने प्यारे बच्चे हैं। अब जल्दी से सो जाओ। जी मम्मी। कितने अच्छे बच्चे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग बाहर जाने के लिए तैयार हैं। पापा और जॉर्ज कितने अच्छे हैं।
मम्मी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए। इन बच्चों को संभालना बहुत आसान है। जॉर्ज, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? ये कैसी अजीब आवाजें हैं? शायद हमें ऊपर जाकर देख लेना चाहिए। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। ओह, तो इसका मतलब वो शोर पेपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे। अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो गए हैं। चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। गार्डनिंग, आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे। मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद हैं। कैप्सकेट एक विशेष कांटेदार गुलाब है। उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका ऊपरी हिस्सा काटो और फिर टहनियां काटो। दादा पिग, पेपा, जॉर्ज, तुम्हें तो अभी सोना चाहिए। जॉर्ज और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नींद आ जाए। ये! आइसलैंड के गुलाब किसी ज्ञानी गार्डनर के लिए बहुत मायने रखते हैं, पर ज्यादातर वो ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। ओह, ये शो तो बहुत ही बोरिंग है। दादा पिग, क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमें उछाल कर पकड़ते हो? ठीक है, पर दोनों को सिर्फ एक एक बार। तुम तो पहले से भारी हो गई हो। अब जॉर्ज की बारी। हाँ, मेरी बारी। और ऊपर, और ऊपर। दादा पिग थोड़े से थक गए हैं बच्चों। तो दादी पिग, क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले? चलो दादी, आपकी बारी। नहीं पकड़ सकते आप। मम्मी पिग और डैडी पिग घर वापस आ गए। हमारे छोटू पिगी सो रहे होंगे। हेलो, कोई जाग रहा है? छोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगीज भी। लंच। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग के घर लंच पर आए हैं। दादी पिग, दादी एग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, खाने के लिए बगीचे से कुछ सब्जियां लाना चाहोगे? जी दादी। दादा पिग, दादी। हेलो पेपा, जॉर्ज। ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। पेपा, तुम्हें टमाटर पसंद है? जी दादा पिग। जॉर्ज, क्या तुम्हें टमाटर पसंद है? ना। जॉर्ज को टमाटर पसंद नहीं है। ओहो। तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पिग। ना। जॉर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं। ओफो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जॉर्ज को पसंद हो। क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक। जॉर्ज को खीरा पसंद नहीं और सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं।
तो जॉर्ज तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? चॉकलेट केक। बुद्धू जॉर्ज, चॉकलेट केक कोई सब्जी थोड़ी है। सब्जियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉर्ज को वो पसंद आएंगी। वाह, बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा। पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा। पेपा और जॉर्ज दादी पिक की सब्जियां धोने में मदद कर रहे हैं। बस अब धोना बहुत हुआ। दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया। दादा पिग, सबको लंच पे बुलाइए। लंच। दादी पिग ने खाने में पिज्जा बनाया है। और ये रहा सलाद, दादा के टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ। खाना शुरू करो। जॉर्ज ने अपना पिज्जा खाया, पर जॉर्ज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं। ओह जॉर्ज, क्या तुम्हें सलाद पसंद नहीं? नहीं। जॉर्ज, इस ताजे टमाटर का एक टुकड़ा खाकर तो देखो। या। जॉर्ज, ये खीरा है, दादा पिग ने इसे अपने बगीचे में उगाया है। याक। सलाद पत्ते का एक टुकड़ा खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओहो, रो नहीं जॉर्ज। देखो मैं क्या बनाता हूँ। अब ये बन गया है डायनासोर। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर बहुत पसंद है। जॉर्ज टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा खा रहा है। शाबाश जॉर्ज। थोड़ा और लोगे जॉर्ज? बढ़ गया। जॉर्ज, क्या तुम और टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा नहीं खा सकते? जॉर्ज का पेट भर गया है। जॉर्ज, क्या तुम्हारा पेट इतना भर गया है कि तुम कुछ भी नहीं खा सकते? जॉर्ज और कुछ भी नहीं खा सकता। ओह, तो तुम ये चॉकलेट केक बिल्कुल नहीं खाना चाहते? चॉकलेट केक। वाह वाह, लगता है जॉर्ज को दोबारा भूख लग गई। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन। जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़कर। कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज, झंडा लहराओ। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग, व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। तेज चलो। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग, तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। देखिए एक और बोट। ये है दादा डॉग, वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? अहो, कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग, वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पिग।
आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक दो तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग। बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम, मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं जीत गया। ओ ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा डॉग। दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिग को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिग अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा दादा पिग को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिग कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट स्किपर। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिग की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग शरारती दादा पिग। पेपा बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। फ्रॉग्स एंड वर्म्स एंड बटरफ्लाइज। पेपा और जॉर्ज गार्डन में ग्रैंडपा की मदद कर रहे हैं। कितनी सुंदर बटरफ्लाई है। ग्रैंडपा बटरफ्लाइज को फूल क्यों पसंद है? उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है। कैसे? उनकी बहुत लंबी जीभ होती है। मुझसे भी लंबी? ओ हाँ, बटरफ्लाई की जीभ तुम्हारी जीभ से भी लंबी होती है, इससे वो फूलों का रस पीती है। वाओ। पेपा बटरफ्लाई को लगता है कि तुम एक फूल हो। लेकिन मैं फूल नहीं हूँ, मैं पेपा पिग हूँ। ये कितनी प्यारी है, मैं एक बटरफ्लाई बनना चाहती हूँ। पेपा बटरफ्लाई बनकर खेल रही है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। जॉर्ज मैं बटरफ्लाई हूँ, तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते? मुझे पता है, तुम रेंगने वाले वर्म बन सकते हो। देखो देखो मैं एक बटरफ्लाई हूँ। ओह डियर, जॉर्ज वर्म नहीं बनना चाहता, वो बटरफ्लाई बनना चाहता है। जॉर्ज जब मैं छोटा पिगी था मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था। वर्म बनना बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा, फिर इस तरह रेंगना होगा। मैं एक रेंगने वाला वर्म हूँ। जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है। मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ, मैं एक छोटी बटरफ्लाई हूँ। देखो देखो मैं छोटी बटरफ्लाई हूँ। हाँ पेपा तुम एक सुंदर बटरफ्लाई हो। ग्रैंडपा जॉर्ज अब क्या कर रहे हैं?
हम रेंगने वाले वर्म्स हैं। मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ। मैं रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। आप कैसे हैं? आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं हूँ रेंगने वाली वर्म। वो बहुत अच्छा था। अब तुम कौन सा जानवर बनना चाहते हो? मैं नहीं जानती। देखो ग्रैंडपा, यहाँ एक छोटा फ्रॉग है। तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते? फ्रॉग इतने प्यारे नहीं होते जितने बटरफ्लाई, और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म। लेकिन फ्रॉग्स एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है। क्या फ्रॉग गुड़ियों का घर खेलते हैं? प्यारी पेपा, तुम्हारा मनपसंद खेल क्या है? मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ, फ्रॉग्स को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में खेलना। हाँ जॉर्ज, चलो फ्रॉग बन जाते हैं। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। मैं एक छोटी फ्रॉगी हूँ। फ्रॉगीज को खेलने के लिए एक अच्छा बड़ा मिट्टी का गड्ढा मिल गया। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। बटरफ्लाईज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे फ्रॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं। शॉपिंग। पेपा और जॉर्ज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग पसंद है। जॉर्ज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है, और पेपा को भी। डैडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो। अरे वाह, देखो हमारी लिस्ट में चार चीजें हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल। मैं सब ढूंढ लूंगी। इस तरफ। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग बहुत पसंद है। पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं। मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ये देखो टमाटर मम्मी। शाबाश पेपा। एक, दो, तीन, चार। अब उन्हें ट्रॉली में डालो। मुझे टमाटर मिल गए। शाबाश पेपा। टमाटर, लिस्ट की एक चीज मिल गई है। अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स। नूडल्स। सही कहा जॉर्ज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं। नूडल्स। नूडल्स पेपा और जॉर्ज का पसंदीदा खाना है। अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे? मुझे दिख गए, इस तरफ। नूडल्स, देखो मम्मी, ये रहे नूडल्स। शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से इन्हें ट्रॉली में डालो। ठीक है मम्मी। नूडल्स। जॉर्ज, इसे कहते हैं नूडल्स। नूडल्स। अब लिस्ट में आगे क्या है पेपा? चिप्स। चिप्स तो लिस्ट में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पेपा। जरा याद करो। मुझे नहीं याद आ रहा डैडी। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज? डायनासोर। डायनासोर? जॉर्ज, यहाँ पर डायनासोर नहीं मिलता बुद्धू। नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है प्याज। प्याज, अभी याद आया। मम्मी ये रहे। शाबाश। एक, दो, तीन, चार। प्याज। शाबाश, अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजें मिल गई। लिस्ट की बस एक ही चीज बची है। पौधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर आखिरी चीज फल है। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम फल चुन सकते हो। फल कहाँ है? वहाँ पर।
वहाँ सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं और एक बहुत बड़ा तरबूज भी। कौन से फल लें जॉर्ज? सेब, संतरे, केले, तरबूज। इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज, तरबूज, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? चॉकलेट केक क्या ये लिस्ट में है? पेपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मम्मी। जॉर्ज, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं। मैंने भी तो नहीं रखा। फिर किसने रखा? मुझे लगा पुडिंग के लिए अच्छा होगा। डैडी पिग। शरारती डैडी। सॉरी, लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना? यमी तो लग रहा है। ओ, हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था। चॉकलेट केक। हुर्रा! कैंपिंग। पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने, कितना आसान है। ओह, क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह! और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है, इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे, ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगा दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था।
सुबह हो गई है। डैडी, टैंक में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिक चले गए। बेचारे डैडी पिक, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी। अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिक, क्या हुआ? डैडी आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। पुत्र डैडी पिक, मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। The Sleepy Princess। रात हो चुकी है, पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिक कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था। डायनासोर? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डायनासोर था। बाहर एक बड़ा भयंकर डायनासोर था। ओहो, शायद वो डायनासोर इतना भी भयानक नहीं था, है ना डैडी पिग? सॉरी जॉर्ज, नहीं, वो डायनासोर बहुत दयालु था। वो सिर्फ घास खाता था। डैडी पिग। ओप्स, सॉरी, मैं भी डायनासोर बन गया। डैडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ। वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चांद दिखने लगे और सबको बहुत नींद आने लगी। पर सबसे ज्यादा नींद स्लीपी प्रिंसेस को आई। पेपा, नींद आ रही है? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। पर किसी को आ गई है। जॉर्ज, उठो भी, कहानी का अंत सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नींद नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी। सारा दिन आईने में देखकर वो पूरी तरह से थक गई थी। चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ। गुड नाइट। और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नींद सो गई। कहा
खाने के लिए थैंक यू किंग डैडी। यू आर वेलकम क्वीन मम्मी। और हमारे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजा आया। ट्रेजर हंट। दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग, आपका काम हो गया? पेपा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग। पेपा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग, वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए। क्या कीजिए? हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग। दादा जी। ओह, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना कहाँ है वो? ओ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पेपा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए, ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओह, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो। जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने हैं। देखो, वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पेपा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी, दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी। गाड़ी की सफाई। डैडी पिग पूरे परिवार को गांव में घुमाने ले जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? तैयार है। हाँ डैडी पिग, हम तैयार हैं। पर गाड़ी तैयार नहीं।
देखो कितनी गंदी है। ओ, इतनी गंदी नहीं है, अंदर से देखो ज्यादा गंदी है। शरारती गंदे डैडी। शरारती गंदे डैडी। जरा ये सब कचरा तो देखिए। अखबार, वो मेरे हैं। चॉकलेट, वो मेरे हैं। मिस्टर डायनासोर, डायनासोर। घूमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए। ओह, सही कह रही हो मम्मी पिग। मम्मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो। डैडी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए। डैडी पिग छत धो रहे हैं। मम्मी पिग बोनेट धो रही है। पेपा दरवाजे धो रही है। जॉर्ज को खिड़कियां धोनी हैं, पर वो बहुत छोटा है। बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड्ढे में गिरा दिया। जॉर्ज, तुम गाड़ी को दोबारा गंदा कर रहे हो। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पेपा, वो पानी गंदा है। ओफो, पेपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा, रुको। सॉरी मम्मी। डैडी पिग, प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो अभी किए देता हूँ। सब भीग गए। चलो अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। डैडी पिग इतनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे। हाँ मम्मी पिग। हाँ मम्मी पिग। गाड़ी फिर से गंदी कर दी। शरारती मम्मी। शरारती गंदी मम्मी। सीक्रेट्स। मम्मी पिग ने पेपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है। पेपा, ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मम्मी। ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रेट चीजें रखने के लिए। मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूँ मम्मी? वो तुम खुद ही सोचो पेपा, ये तुम्हारा सीक्रेट बॉक्स है। मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। गुड, पर मुझे मत बताना। मैं ना आपको बताऊंगी, ना जॉर्ज को, ना डैडी को। ये एक सीक्रेट है जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज,
सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूँ तुम बाहर इंतजार करो। पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा, इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूं? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं। आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। अब भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद हैं। मम्मी, किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह, जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रेट चीजों से भर दिया, और सिर्फ जॉर्ज को पता है कि उसके अंदर क्या है। ओह। पेपा जानना चाहती थी कि जॉर्ज के बॉक्स के अंदर क्या है। ये जरूर जॉर्ज का खिलौना डायनासोर है। नहीं, जॉर्ज का खिलौना डायनासोर जॉर्ज के बॉक्स में नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती। पेपा को सीक्रेट सब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे। अगर तुम जॉर्ज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखाती तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा। ये एक अच्छा आइडिया है। तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाओ कि तुम्हारे बॉक्सेस में क्या है। तैयार? हाँ। एक, दो, तीन। जॉर्ज के पास है ड्रम और पेपा के पास है ट्रम्पेट। ओहो, अच्छा है। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीजें हैं? जॉर्ज के पास एक कस्टर्ड डोनट है। ओह। लेकिन पेपा का बॉक्स खाली है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पेपा, मेरे पास है, ये लो। जॉर्ज, पेपा, मम्मी पिग और डैडी पिग सबको कस्टर्ड डोनट्स पसंद हैं। मेरे पास कोई खास बॉक्स नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है अपने कस्टर्ड डोनट छुपाने की। क्या तुम बता सकते हो कहाँ? आप उसे छुपाने वाले हैं फ्रिज में? नहीं, कहीं उससे ज्यादा खास, मेरा पेट। स्वादिष्ट। और मैं अपना डोनट अपने पेट में छुपाऊंगी। और मैं भी। ड्रेसिंग अप। पेपा और जॉर्ज मम्मी और डैडी के बेडरूम में खेल रहे हैं। ये क्या चीज है? पेपा को पुराने कपड़ों का एक बॉक्स मिलता है। वाओ, ये डैडी का हैट है और ये मम्मी की ड्रेस है। जॉर्ज, चलो तैयार होते हैं और मम्मी डैडी बनकर खेलते हैं। ये है डैडी का हैट और ये है डैडी का कोट। हेलो डैडी पिग। अब मेरी बारी है। ये मम्मी की ड्रेस है और ये मम्मी का हैट है। डैडी पिग, आपके जूते कहाँ हैं? और अब मुझे भी जूते चाहिए। अब मुझे सुंदर लगना है मम्मी की तरह। पेपा को मम्मी का मेकअप बॉक्स मिल गया। आहा।
पहले थोड़ा पाउडर। बहुत प्यारी, अब थोड़ी लिपस्टिक। कितनी प्यारी मम्मी पिग है। आओ चले डैडी पिग, ये काम पर जाने का समय है। मम्मी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। जरा माफ कीजिए पेपा, मैं तो हेलो कह रही थी। मैं पेपा पिग नहीं हूँ, मैं हूँ मम्मी पिग। ओ हाँ बिल्कुल, हेलो मम्मी पिग। हेलो। और ये है डैडी पिग। जॉर्ज। और आपको भी हेलो डैडी पिग। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है। हेलो। हाँ, ऐसा करो वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो, गुड बाय। पेपा को मम्मी पिग बनकर मजा आ रहा है, लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है। माफ करना डैडी पिग, बस पूरा होने वाला है। लो हो गया। चलो डैडी पिग, ये आपके काम का समय है। गुड बाय मम्मी पिग और डैडी पिग। गुड बाय। डैडी पिग गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मैं पेपा नहीं हूँ, मैं मम्मी पिग हूँ और ये डैडी पिग है। डैडी पिग यहाँ कुछ काम करने आए हैं। आप बहुत अच्छे हैं डैडी पिग, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत गहरा गड्ढा है। उम्मीद है आप अपने अच्छे कपड़े पहनकर खुदाई नहीं कर रहे हैं डैडी पिग। मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ। सबके लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम। पेपा, जॉर्ज, तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए। मैं हूँ मम्मी पिग और ये है डैडी पिग। तुम्हें यकीन है? हाँ। तो पेपा और जॉर्ज कहाँ हैं? हम नहीं जानते। ये दुख की बात है, क्योंकि मैं उनकी मनपसंद आइसक्रीम यहाँ लाई हूँ। अगर वो यहाँ नहीं है तो हम यहाँ हैं। पेपा, जॉर्ज, तुम यहाँ हो। हाँ मम्मी, हम आप और डैडी बनकर खेल रहे थे। तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया। बीच पर। पेपा और उसका परिवार बीच पर जा रहा है। पेपा और जॉर्ज को बीच पर जाना बहुत पसंद है। कितनी सारी चीजें हैं, याद रखना लौटते वक्त हमें सब कुछ साथ लेकर जाना है। तौलिए, बीच बैग, छाता, बाल्टियाँ और ये बीच बॉल। शाबाश, अब खेलना शुरू करने से पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाते हैं। धूप बहुत तेज है, इसलिए पेपा और जॉर्ज को सनस्क्रीन लगाना पड़ रहा है। चलो इस बीच बॉल से खेला जाए। बड़ी उछलती है। कितना अच्छा बीच बॉल है। जॉर्ज, तुम बॉल फेंको और मैं उसे पकड़ूंगी। अब जॉर्ज तुम पकड़ो। ओहो, जॉर्ज छोटा है इसलिए बॉल नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं जॉर्ज, क्या तुम्हें और पेपा को समंदर में तैरना है? हाँ डैडी प्लीज। तो चलो अपने वाटर विंग्स पहन लो। अब तुम तैयार हो। वाटर विंग्स में तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो। मेरी बारी, मेरी बारी। हो गया। अब तुम पानी में जा सकते हो। पानी ठंडा है? ये बहुत ही अच्छा और गर्म है। आ
आराम से। आप ही ने शुरुआत की डैडी पिग। अब और कितना छिड़कोगी? डैडी, मुझे बीच पर आना बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को बीच बहुत पसंद है। सभी को बीच बहुत पसंद है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम इन चीजों के साथ रेत में खेलना चाहोगे? हाँ मम्मी, खेलेंगे। डैडी डैडी, क्या हम आपको रेत में छुपा सकते हैं? अभी? प्लीज डैडी। ओह चलो ठीक है। पेपा और जॉर्ज डैडी पिग को रेत में छुपा रहे हैं आराम से। हो गया, अब आप नहीं निकल पाओगे। मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है, क्या मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? ठीक है, पहले प्लीज बोलिए। प्लीज, मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी डैडी। अब ठीक है, अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। जॉर्ज, चलो रेत का महल बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज रेत के महल बना रहे हैं। जॉर्ज, पहले रेत को बाल्टी में डालते हैं, ऐसे। फिर बाल्टियों को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं। फिर बाल्टी को उठाते हैं। देखो, बन गया। एक रेत का महल बन गया। और एक रेत का महल। पापा, जॉर्ज, घर जाना है, अपना सारा सामान लेकर आओ। चलो देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं। तौलिए, बीच बैग, छाता और बीच बॉल, सब कुछ ले लिया। मुझे यकीन है हम पक्का कुछ भूल रहे हैं। याद आया, हम हैट भूल गए। डैडी, हम डैडी को भूल गए। हाँ, हम डैडी पिग को भूल गए। क्या क्या हुआ? डैडी, मम्मी और मैं तो आपको भूल ही गए थे, पर जॉर्ज को आपकी याद आई। मुझे खुशी है कि जॉर्ज को मेरी याद आई।